प्रश्न संख्या 77 में क्या कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात क्या है? 5:6 है, अर्थात ए रेशियो बी अभी वर्तमान में बराबर क्या है? 5:6। ठीक, अब से 6 वर्ष में अनुपात क्रमशः 6:7 होगा। 6 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? 6:7 होगा। तो मान लो, माना ए तथा बी की आयु, ए तथा बी की आयु कितनी है? 5x मान लो एक की, एक की क्या मान लोगे? 5x। तो दूसरे की क्या होगी? वह 6x। ठीक, ए तथा बी की आयु बराबर क्या मान लिया हमने? 5x और 6x मान लिया। अब क्या कह रहा है? 6 वर्ष में अनुपात 6:7 हो जाता है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अनुपात कैसा हो जाता है? 6:7। 6 वर्ष बाद होगा क्या? 5x में 6 जुड़ जाएगा 6 वर्ष बाद, और 6x में भी 6 जुड़ जाएगा 6 वर्ष बाद। नया अनुपात क्या हो गया है? 6:7, 6:7। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो कितना हो गया? 36x प्लस 36 बराबर 35x प्लस 42। ठीक, 35x प्लस 42, 6×42, ये 36x उधर आके घट गया, तो x बराबर कितना हो गया? 6। x बराबर 6 निकल आया। x बराबर क्या वैल्यू निकल आई? 6। x बराबर जब 6 निकल आई तो a की आयु कितनी है? a की आयु है 5x, है ना? मतलब 5×6=30 है a की आयु। a की आयु 30 है और b की आयु कितनी है? 36। ठीक, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले b की आयु क्या थी? बी की आयु निकालनी है 5 वर्ष पहले, तो बी की आयु 5 वर्ष पहले निकालनी है, तो 5 घटा देंगे इससे। अभी की 36 है तो 5 वर्ष पहले 5 कम होगी, यानी कितनी रही होगी? 31। और 31 कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 77 का।